देवभूमि उत्तराखंड में नारियों को पवित्र दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी हरकतें की जाती है जिससे देवभूमि शर्मसार हो जाती है। जी हां, ऐसी ही एक घटना सामने आ रही है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां देहरादून थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत नशीला पदार्थ पिलाकर विशेष समुदाय की युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस दौरान मुकदमा दर्ज करने में देरी पर पीड़ित पक्ष के साथ पहुंची भीड़ ने रायपुर थाने का घेराव किया। आरोप है कि पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया। जब लोगों ने थाने का घेराव कर हंगामा किया, तब जाकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। आपको बता दें, युवती के परिजनों की तहरीर से दी गई तहरीर में कहा कि युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया गया। इसके बाद आरोपी अपने साथ लेकर गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। मामले में दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है, जिसके बाद परिजनों को आरोपी और उसके साथी जो मैजिक में आगे बैठे थे वह युवती पीछे बैठी थी। मिलने पर सबको थाने लाया गया। युवती की तबीयत खराब होने पर युवती को अस्पताल भेजा गया। जी हां, युवती के परिजनों द्वारा थाने में आरोपी युवक व उनके दो साथियों के खिलाफ तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा घटना की गंभीरता को देखते घटना के संबंध में अभियुक्तों की सीसीटीवी फुटेज मोबाइल लोकेशन निकालेगी, तो वहीं पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।